गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। इंदौरा के मलोट में जल शक्ति विभाग मुर्दाबाद के नारे। पानी के बिलों की दरों को लेकर चंडीगढ़ में बवाल। जल का संरक्षण वर्तमान समय की मांग। वल्लभ कॉलेज मंडी पहुंचने पर सीएम जयराम का जोरदार स्वागत। स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उपमंडल इंदौरा के जल शक्ति विभाग के अधीन आते गांव मलोट के वार्ड नंबर 7 के लोगों ने गर्मी के मौसम में आ रही पानी की समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग इंदौरा मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थानीय लोगों का कहना था कि लंबे समय से हमें पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कई बार जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी इस समस्या के बारे में अवगत करवाया गया था, लेकिन किसी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। लगभग एक महीने से चली आ रही इस समस्या को आज हमें सड़क पर लेकर आना पड़ा। अगर विभाग फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो जल शक्ति विभाग इंदौरा के कार्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी विभाग की होगी। इस समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग इंदौरा के अधिशासी अभियंता गुरबख्श धीमान ने बताया कि मुझे आपके माध्यम से इस समस्या के बारे में जानकारी मिली है। मैं जल्द अपने अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजता हूं और इस समस्या का जल्द समाधान करवा दिया जाएगा। पूनम आईपीएच ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਫੋਨ ਉਸੇ ਜੇਈ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਲੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਅਟੈਕ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਤੰਗ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਡਮ ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆ 10 ਵਜੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ 10:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 12:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਲਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੰਮੀ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਬੈਕ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਦਾ 10-15 ਦਿਨ, ਕਦੀ 20-25 ਦਿਨ, ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ, ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ लगातार इनके जो फ़ोन आते हैं मेरे, जो ये वार्ड नंबर 7 है, जे बिल्कुल एड ज्वाइनिंग है रिता दुआन जी के, मैं कहता हूँ कि जे 3 मिनट का रास्ता भी नहीं, अगर पैदल आना हो, मतलब बिल्कुल करीबी है। और मुझे दुख होता है कि एक सत्तासीन और विधायिका ऊपर सरकार अपना सारी, और उसके बावजूद भी पानी की बाल्टी के लिए बंदे इतना ही माम कर रहे हैं। हमें मतलब आए दिन ये फ़ोन, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं चढ़ रहा, मतलब इतना बुरा हाल है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। फिर मैंने उनसे बात की, मैं क्या, देखो कहते हैं कि बिना रोए माता भी दूध नहीं देती है, तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके पहले हमने जो जहाँ का जेई है या विभाग है, उनको हमने जोर लगा लिया, प्रधान स्तर पर मैंने खुद भी फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने मेरे फ़ोनों की कोई सुनवाई नहीं की। मैंने बोला कि अगर ठीक है, जहाँ पर आदमी बीमार हुआ है तो उसको आदमी लगाओ, पाइपें तोड़ी हुई हैं, पानी चढ़ता ही नहीं है, एक एक बाल्टी के लिए, एक एक बूंद के लिए आदमी तरस रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से शहर में इस महीने से लागू की गई पानी की नई दरों को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज आम आदमी पार्टी की ओर से नगर निगम का घेराव करने के लिए रोष प्रदर्शन किया गया। जैसे ही प्रदर्शनकारी नगर निगम भवन की तरफ चले, तो रास्ते में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से
की गई नाकाबंदी पर रोक लिए गए। नाकाबंदी के बावजूद न रुकने को लेकर चंडीगढ़ पुलिस की टीम ने पानी की बौछारें की और उन्हें वहीं रोके रखा। प्रदर्शनकारियों की ओर से चंडीगढ़ नगर निगम और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी जारी है। उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने कहा कि जीवन के लिए जल नितांत आवश्यक है और जल का संरक्षण वर्तमान समय की मांग है। जल की एक एक बूंद को बचाकर और जल का सदुपयोग कर ही हम भावी पीढ़ी को पर्याप्त मात्रा में उपयोग के लिए जल उपलब्ध करवा पाएंगे। उपायुक्त ने कैच दी रेन अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कृतिका कुलहरी ने कहा कि जल संरक्षण सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है और इस दिशा में विभागों के सार्थक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकारी एवं प्रशासनिक प्रयत्नों के साथ साथ आम जन की भागीदारी जरूरी है। जी मैम, आज यहाँ कैच द रेन की प्रेपरेटरी मीटिंग हुई थी। इसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो इसमें वाटर कंजर्वेशन एंड जो हमारे वाटर सोर्सेज उनके रेजुग्नेशन पे जो भी कदम उठा सकते हैं वो उठाएं, अपने बिल्डिंग्स पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं और इनसे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो जो आने वाली हमारी ग्राम सभा है 8 अप्रैल उसकी नरेगा की शेल्फ में। सराज स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वल्लभ कॉलेज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह कार्यक्रम में पहुंचने पर शॉल व टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान सराज स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष टेकम ठाकुर ने कहा कि सराज क्षेत्र में अलग अलग पहाड़ी नाटियां डाली जाती हैं और इन नाटियों में अलग अलग वेशभूषा के वस्त्र पहने जाते हैं। उन्होंने कहा कि सराज स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को कई कार्यक्रमों में सराज की संस्कृति से संबंधित नाटियों के लिए वस्त्र की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सराज की संस्कृति से संबंधित सभी प्रकार के वस्त्र उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है ताकि सराज की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। नमस्कार, एकम ठाकुर, सराज स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी मंडी महाविद्यालय में वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आए हैं। आज हमारा भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हुआ, हमने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके बाद हमारी कुछ जो डिमांड्स थी जो हमने अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम शाश्वत महाविद्यालय में किया उसमें हमने ये बात की कि हमने जो ड्रेस है हमारी सराज की जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो हम बाहर से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो पैसे है हमारे पास उतना नहीं हो पाते, हम सराज में जा जा करके पैसे इकट्ठे करते हैं। तो हमने कहा कि आप हमें वो ड्रेस उपलब्ध करवाएं ताकि आने वाले समय में सराज के पास एक ड्रेस अपनी ड्रेस हो और जब दूसरी जगह किसी को हम देंगे तो हम किराए पर देंगे तो एक इनकम का साधन हमारे पास बनेगा एसोसिएशन के पास। दूसरा हमने कहा कि एक रूम एक कार्यालय मंडी में होता मतलब विद्यार्थियों का सराज के छात्रों का तो वो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि रूम्स में इतना सामान रख पाना संभव नहीं है। तो सीएम साहब ने कहा कि हम जरूर जो है इन बातों पर जो ध्यान पर रखेंगे और जो जो भी हमारी डिमांड है उनको पूरे करने को हमें पूरा आश्वासन दिया। धन्यवाद। अपनी ड्रेस से हमने उसमें भी बात की थी कि सराज में अलग अलग प्रकार की वाकली नाटी होती है, सराजी नाटी होती है तो एज अ फैशन शो होता है तो ये सभी प्रकार की जो ड्रेस है हमारी इनको जब हमें ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ भागना पड़ता है, हमें सराज के एक कोने से दूसरे कोने तक कौन ड्रेस कहाँ मिलेगी। वो ड्रेस अगर हमारे पास अवेलेबल रहेगी तो ऐसे कार्यक्रम करवाने में हमको आसानी होगी। संस्कृति को बचाने के लिए हर वर्ष जो है शाश्वत करके अब हमने कार्यक्रम चलाया है वो जो है निरंतर इस तरह से जो है हर साल चलता रहेगा
2018 से ये होता आ रहा है, निरंतर आगे चलने वाला। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।